हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम यू अगेन ऑन माय चैनल ई लर्निंग विद सुमन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 48। बेटा आज हम कौन सी वर्कशीट करने जा रहे हैं? वर्कशीट नंबर 48। देखो ये जो वर्कशीट है इसका लिंक हमें 24 अक्टूबर को मिल गया था, लेकिन ऑटम ब्रेक के कारण ये वर्कशीट है जो हमें 28 अक्टूबर को हमें ये करनी है। कब की डेट डालोगे? 28 अक्टूबर की। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 9th है, सब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम और यहाँ पर क्लास टीचर नेम। आज की जो हमारी वर्कशीट है, आज की हमारी वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में। जो भारत रत्न अवार्ड है, देखो भारत रत्न के बारे में बताया गया है इस वर्कशीट में कि किन किन पर्सन को किस ईयर में भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो मिला था, और साथ में हमारा एक ग्रामेटिकल टॉपिक भी है जो हम इसमें करेंगे। ग्रामर का टॉपिक है जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया है, डिटरमिनर्स। हमने जो पैसेज दिए गए हैं उनमें अंडरलाइन करना है डिटरमिनर के नीचे, ठीक है? तो हमारे दो काम इस वर्कशीट में हो जाएंगे, जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और ग्रामर की तरफ से भी ये वर्कशीट हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखो, द भारत रत्न इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन सा है? भारत रत्न। इट वाज इंस्टीट्यूट ऑन 2 जनवरी 1954। ये कब इसकी स्थापना, मतलब कब से दिया जाने लगा था? ये 2 जनवरी 1954। इट इज गिवन इन रिकग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर एंड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजिशन और जेंडर। देखो ये जो अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? एक्सेप्शनल, जिसने कुछ अद्भुत काम किया हो, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है वो, उसकी परफॉर्मेंस के लिए हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, बिना जाति, बिना ऑक्यूपेशन के भेदभाव के, पोजीशन या जेंडर, मतलब ये नहीं देखा जाता कि वो मेल है या फीमेल है, मेल को भी मिल सकता है, फीमेल को भी मिल सकता है, किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो कोई किसी भी वो ऑक्यूपेशन में हो, अगर उसकी ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो किसी भी क्षेत्र में ये दिया जा सकता है भारत रत्न। गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल हु वर अवॉर्डेड विद द भारत रत्न। आइडेंटिफाई दिस पीपल, ऑल्सो अंडरलाइन द डिटरमिनर्स इन द डिस्क्रिप्शन। यू मे रेफर टू द प्रीवियस वर्कशीट ऑन डिटरमिनर्स। अब देखो, अब हमें यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि ये किसके बारे में है, ये जो डिस्क्रिप्शन है हमें उसका नाम लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर दूसरा हमें जो पैसेज दिए गए हैं उनमें हमें डिटरमिनर के नीचे अंडरलाइन करनी है। समझ आ गया आज का टास्क क्या है? डिटरमिनर के नीचे अंडरलाइन करना है और ये देखना है कि ये किसके बारे में है। चलो मैं साथ के साथ लगाऊंगी, फिर देखो। दिस पर्सन वाज वन ऑफ द टू पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। देखो ये जो आदमी है इन्हें दो को मिला था भारत रत्न, 2001 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ही वाज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। कौन थे वो? हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर थे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 decades। ही इज क्रेडिटेड क्रेडिटेड विद द एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ द शहनाई फ्रॉम द फोक स्टेज टू द कंसर्ट स्टेज। अब देखो कौन थे ये, सबसे पहले तो मैं ये लिखवा देती हूँ कौन थे, फिर मैं आर्टिकल जो डिटरमिनर्स हैं, जो आर्टिकल वगैरह हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करूंगी। तो कौन थे ये, आपको पता भी होगा, आपका चैप्टर है साउंड ऑफ द म्यूजिक 2nd chapter, उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्ला खान, BISMILLAH, बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ठीक है। देखो दिस दिस कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर चाहिए, दिस दिस डोज डेट, ये क्या है, कौन से हैं डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर है, दिस वन न्यूमेरिकल द भी है, आर्टिकल के अंदर आएगा, टू न्यूमेरिकल द, इन द ही वाज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल से ही प्लेड द, क्या है आर्टिकल, आर्टिकल भी किसमें आते हैं डिटरमिनर्स के अंदर आते हैं, मोर देन मोर 8 द
उद्दा। देखो ये क्या है, ये हमारे मैंने किसके नीचे अंडरलाइन किया है, डेटोनियर के अंदर। अब देखो सेकंड डिस्क्रिप्शन, दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2014। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन ए करियर स्पेनिंग ओवर टू डेकेड्स। ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई थी इन्होंने। द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन थे। एंड द ओनली प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन इन बोथ ओडीआई वन डे क्रिकेट मैच में और टेस्ट क्रिकेट में 30,000 रन बनाने वाले ये अकेले प्लेयर थे। कौन थे ये और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था। तो कौन थे ये, सचिन तेंदुलकर। कौन थे बेटा, सचिन तेंदुलकर, TENDULKAR, सचिन तेंदुलकर। ओके, ए नहीं है यहाँ पर, यू है ये, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। तो अब हम लगा लेते हैं, किस पर निशान लगाएंगे, अब हम अंडरलाइन किसको करेंगे, डेटरमिनर्स को हम अंडरलाइन कर लेंगे इसमें। दिस अभी मैंने फर्स्ट में भी बताया था, दिस द, आगे देखो, ए टू ओनली द वन हंड्रेड द फर्स्ट ए ए वन वन भी है ना, only more both yes both ये हैं जो हमारे इसमें क्या यूज हुए हैं, जो हमारे डिटरमिनर्स यूज हुए हैं। हमें सारे चाहे वो पॉजिटिव वाले हैं वो भी हमें इसमें लगाने हैं, आपको ध्यान रखना है, अगर एक आज छूट गया है तो उसे भी लगा लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन है, दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999। He was born in 1933 in India. He is a winner of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. इन्हें देखो, इनका जन्म हुआ था 1933 में, इन्हें भारत रत्न मिला 1999 में, और उन्होंने ना, he is a winner of the Nobel Memorial Prize. इन्हें Nobel Prize भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में। He is best known for his work on the causes of famine. अकाल पड़ने पर इन्होंने वर्क लिखा था, उसके लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। इन्हें किसके लिए मिला था, इन्हें किसके लिए अवार्ड दिया गया था, कि इन्होंने अपनी जो बुक है, जो वर्क है, उसमें बताया था कि किस प्रकार ये शॉर्टेज ऑफ फूड के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। कौन थे ये, तो कौन थे ये, अगर आपको पता है अर्थशास्त्री के बारे में, ये थे अमर्त्य सेन, अमर्त्य कुमार सेन, ए एम ए आर टी वाई ए, अमर्त्य कुमार सेन, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे डिटरमिनर्स के नीचे अंडरलाइन। देखो कौन कौन से डिटरमिनर्स यूज हुए हैं, दिस फर्स्ट तो दिस ही है, दिस पर्सन इशारा किया गया है, द भारत रत्न, ही वॉज बोर्न इन, ही इज ए, द नोबेल प्राइज से पहले द लगा हुआ है, ही इज द बेस्ट नोन, द यहाँ पर बिताना चाहिए, ठीक है, बेस्ट से पहले, फॉर हिज, यस हिज वर्क, द द द ओके ये थे हमारे जो इसमें आर्टिकल यूज हुए हैं, डिटरमिनर्स यूज हुए हैं, मोस्टली तो आर्टिकल ही आए। तो नेक्स्ट देखो किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001। इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। सी इज ए, तो क्या है ये, सी से यहाँ क्या क्लियर हुआ कि वो एक लेडी है। सी इज ए प्लेबैक सिंगर
हू स्टार्टेड हर करियर इन द 1940s एंड हैज सम शोंग इन ओवर 36 लैंग्वेजेस इन 1989 सी वाज अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये इन्हें ना 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी अवार्डेड किया गया था इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। तो कौन थी ये थी लता मंगेशकर। कौन थे ये गायक थी, इन्होंने आया ही है सॉन्ग गाया था, तो ये कौन थी लता मंगेशकर LATAMANGESHKAR लता मंगेशकर। अब मैंने ये देखो लगा ही दिया है, इसमें जो डिटरमिनेंट है दिस के नीचे आएगा द ए हु हर द 36 द इंडियाज के नीचे नहीं है, ऐसे ही लग गया है। ठीक है, ये थे जो आज की हमारे डिटरमिनर्स और इन व्यक्तियों को हमें रिकॉग्नाइज करना था, ये मैंने आपको लिखवाए हैं। और जो डिटरमिनर्स यूज हुए हैं वो भी आप लिख लोगे अपनी नोटबुक में। बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले ही पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।